बीजेपी की सियासी पिचकारी से इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ ऑडियो वाला स्याह रंग निकला। ये रंग टीएमसी के दामन में दाग की तरह लगा है, मगर तुरंत ही टीएमसी की ओर से भी ऑडियो से भरा हुआ आरोपों वाला गुब्बारा मार दिया गया। ये ममता के चुनावी रंग में भंग डालने वाला ऑडियो है। ऑडियो वाली ये पिचकारी चली तो स्याह रंग में सराबोर हो गया टीएमसी का दामन। नंदीग्राम में दूसरे चरण में चुनाव है, मगर उसके पहले बयानों और आरोपों से दोनों खेमा लालम लाल है। बीजेपी ने अपनी सियासी पिचकारी से ये ऑडियो निकाला और आरोपों के रंग से भिगा दिया ममता बनर्जी को, ये कहकर कि ममता ने खुद फोन करके बीजेपी के प्रलय पाल को टीएमसी में आने का ऑफर दिया। बीजेपी के इस ऑडियो में आरोपों का फाग गाया जा रहा है। अभी तो अनेक यंग चले एवं अनेक काज करो हमें जानी सब कुछ আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে এক সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরে যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আমি আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোন দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। जब आरोपों का ये ऑडियो आया तो ममता की होली बेरंग सी लगती दिखी, मगर पलटवार वाली पिचकारी लेकर टीएमसी भी हाजिर हो गई, इस इरादे के साथ कि बीजेपी को उसी के रंग से रंगेंगे। ममता बनर्जी नाउ नॉट ट्रस्टेड हर कॉलीग, सी लॉस्ट हर बैटल, सी इज नाउ पॉलिटिकली इंसॉल्वेंट, फॉर दैट रीजन सी इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट my people, my colleagues and BJP workers. There is no wrong within this. I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. TMC के होलियार भी तैयार थे, तुरंत खंगाला गया कि किसकी पिचकारी में आरोपों के कितने रंग हैं, उन्हें निकाला जाए और बीजेपी के दामन को सराबोर किया जाए। लिहाजा टीएमसी ने भी आरोपों का फव्वारा मारा, जिसमें मुकुल रॉय दूसरे बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया को बताते दिख रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। বাংলা এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না, যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে ভারত পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। बंगाल में चुनाव जारी है, आज होली है और होली पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और तृणमूल ने एक दूसरे पर ऑडियो बम की बौछार कर दिया है। जहां एक ओर बीजेपी ने एक ऑडियो टेप रिलीज करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी उन्हीं के कार्यकर्ताओं को फोन करके समर्थन मांग रही है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अपना ऑडियो बम सामने लाया है जहां पे ये आरोप है कि मुकुल रॉय बीजेपी के नेता दूसरे बीजेपी के नेता शिशिर बजोरिया को फोन करके ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। और इन दोनों ऑडियो बम को लेके आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बंगाल चुनाव में तेज हो गई है। ऑडियो वॉर को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने चुनाव आयोग का रुख किया है। आरोपों के रंगों से भरा पड़ा है बंगाल, अभी तो आगाज है
पूरी जंग अभी बाकी है, देखते जाइए आगे क्या होता है, बंगाल का चुनावी रंग किसे रंगीन करता है और किसे गमगीन। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।